पूरे विश्व सहित भारत देश और मथुरा नगरी नंदलाल के आनंद में सराबोर होकर अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़ी हर्षोल्लास के साथ मना रही है, जिसकी तैयारियां बीते दिनों से ही की जा रही है। सभी मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। पूरी दुनिया की निगाह जग के पालनहार के जन्मोत्सव पर टिकी हुई है। मथुरा नगरी के श्री कृष्ण जन्म स्थान को फूलों के साथ साथ दिव्यता एवं भव्यता से सजाया गया है। जन्मोत्सव में सहभागिता करने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भी मथुरा आना हुआ। यहाँ का अलौकिक दृश्य रात में देखने को बनता है। रात 12 बजे कन्हैया का दुग्धावेश जन्मोत्सव मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष में शुक्रवार की शाम 4 बजे श्री बिहारी जी मंदिर प्रांगण से कस्बे की प्रमुख जगह से होते हुए प्रथम बार श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियों के साथ यदुवंशी जादौन समाज के लोग सिर पर पगड़ी साफा बांधे हाथों में तलवार लिए अपने वंशज आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाते हुए बैंड बाजों की धुन पर धार्मिक गीतों पर नाचते हुए गाते हुए शोभा यात्रा का शुभारंभ श्री बिहारी जी मंदिर से होते हुए रहमनपाड़ा बीच का थोक हरनाथिया चौक बड़ी पानी टंकी सब्जी मंडी नई तहसील पुरानी तहसील मेन बाजार से होते हुए वापस हनुमान बगीची पर समाप्त हुई। देखिए यहाँ ये छाता क्षेत्र में जो कृष्ण के वंशज हैं यदुवंशी जाधव, उन्होंने सामूहिक रूप से कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जन्मोत्सव पर ये झांकी शोभा यात्रा निकालने की व्यवस्था की है और सब लोग इसमें हंसी खुशी अपने पूर्वज का जो है जन्मोत्सव मना रहे हैं। बहुत खुश हैं सभी और बहुत अच्छा लग रहा है। मथुरा सहित पूरे देश भर में और विश्व भर में जन्माष्टमी त्यौहार आज है। हाँ, ज़्यादातर आज ही है और हमारे नंदगांव में कल मनाया जाएगा। पूरी दुनिया कृष्ण की पूजा करती है, कृष्ण को मानती है, उनके जन्मोत्सव पर अपने अपने तरीके से सभी जो है उल्लास में रहते हैं। कोई व्रत रहता है, कोई जैसे जैसे जहाँ जिसका चलन है उस हिसाब से अपनी पूजा पाठ करते हैं। ये भगवान कृष्ण की का जन्मदिन है। आज के दिन संसार में दो दो महान विभूतियाँ पैदा होती है, भगवान श्री कृष्ण और महामारी दुर्गा। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन आज के दुष्टों के संहार के लिए और साधुओं के उसके लिए हुआ था, इसलिए भगवान कृष्ण को दुनिया मानती है और पूजती है और सभी भगवान से प्रेम करते हैं। तो कृष्ण को क्या आप अपना वंशज मानते हो? हाँ, हम तो कृष्ण के वंशज हैं ही, जादव सभी कृष्ण वंशज है और जो जादव बच्चे निकले वो भी वंशज है भगवान के।